साथियों, हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी, यानी उसको भी करीब 60 साल हो गए। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमा करताओं को 1,00,000 रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था, कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1,00,000 से बढ़ा करके 5,00,000 रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5,00,000 रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग, ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है, ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है, 76 लाख करोड़ रुपया। इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। साथियों, कानून में संशोधन करके, रिफॉर्म करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन, यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। यानी हमने ही सारे बंधन हम पर डाले हैं, क्योंकि इस देश के सामान्य मानवीय, इस देश के मध्यम वर्ग की, इस देश के गरीब की हमें चिंता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंक वीक हो जाती है, बैंक अगर डूबने की स्थिति में भी है, तो 90 दिन के भीतर जमाकर्ता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि कानून में संशोधन के 90 दिन के भीतर ही हजारों डिपॉजिटर्स के क्लेम सेटल भी किए जा चुके हैं।